नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीआर चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। आज हम बात करेंगे हाड़ौती अंचल कोटा रियासत के उस जिले के जिसे राजस्थान का नागपुर, सोया जिला, न्यूनतम आंधियों वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, नवीनतम और एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों ने बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झालावाड़ जिले की। तो देखो, झालावाड़ जो जिला है, यदि हम इनको मानचित्र में देखें तो लगभग इस शेप में। खास बात, इसकी बॉर्डर लगती है एमपी के और सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगती है 518 किलोमीटर। तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला भी है। तो देखो, ये टाइप में है झालावाड़, अठे मध्य प्रदेश की सीमा लगे, ठीक, सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला यही है। दूसरी बात, यदि आप आपने देखा मानचित्र में तो लगभग यहाँ अपने झालावाड़ जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर है और झालावाड़ के अंदर जो दुर्ग है, जो गागरोन को दुर्ग है और एक खानपुर आपने अठे एक सभ्यता मिली है ना। यदि हम बात करें थोड़ा सा निचली साइड में तो झालरापाटन बहुत सी बात हम पढ़ांगा। थोड़ा सा निचली साइड में चला तो नवलखा दुर्ग, ध्यान रखना नवल सागर झील बूंदी में है, ये नवलखा दुर्ग है, ठीक है। तो देखो, बीच में झालावाड़, फिर ऊपर गागरोन दुर्ग, खानपुर अठे पुरानी सभ्यता है, निचली साइड में झालरापाटन, झालरापाटन के जस्ट बगल में चंद्रावती, अठे भी पुरानी सभ्यता ही। नेक्स्ट यदि आप बात करें हिली साइड में नवलखा दुर्ग, जस्ट नीचे ही दिया थोड़ा सा वहाँ तो भवानी मंडी और नीचे वहाँ तो डग गए अंदर कोलवी अगी गुफा है, जठे बौद्ध गुफा है जिसे राजस्थान का एलोरा कहते। वापस घूम गए इली साइड में वहाँ तो ठे अकलेरा। तो मानचित्र के माध्यम आप देखा तो इस शेप में है और प्रमुख कस्बा जगह है जगह आप देख लिया। अब आप बात करेंगा मानचित्र के माध्यम जगह फैक्ट अपने एग्जाम में आ सके। तो सारों पहले आप बात करेंगे झालावाड़ जिले के गागरोन दुर्ग की, ठीक। तो झालावाड़ जिले के अंदर जो गागरोन दुर्ग है, पहली बात वो दुर्ग आहू और काली सिंह नदियों के संगम पर है। देखो, नदियों के संगम पर ये दुर्ग है और वो दुर्ग जो जल से घिरा होता है, इसे जल दुर्ग या इसे औदक दुर्ग कहते हैं। आरपीएससी 2007 में पूछा गया सवाल, राजस्थान में ये जल दुर्ग या औदक दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो गागरोन किलो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, जल दुर्ग या औदक दुर्ग की श्रेणी में रख सका। दूसरी बात, गागरोन को नाम धुलरगढ़ है, डोडगढ़ है, गरगराटपुर है। डोडगढ़ी वास्ते कहा डोडिया परमारों ने इस पुराने दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आप यदि बात करें गागरोन दुर्ग में प्रताप सिंह जो को अचलदास खींची को भाई, कड़ावराम खींची को पुत्र प्रताप सिंह जैसे ने आप पीपा बोला, तो संत पीपा का जन्म यहीं हुआ और प्रताप सिंह जो जैसे पीपा नाम आपने प्रसिद्ध हो जाए लोक संत हुआ, रामा नंद के ये शिष्य थे, अपना राजपाट अपने भाई अचलदास खींची को सौंप कर कहाँ चले गए थे, रामानंद के पास चले गए और वो जन्म बैठे हुए और छतरी भी बैठी है और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं संत पीपा, ठीक। नेक्स्ट आप यदि बात करें गागरोन दुर्ग में मीठे साय की दरगाह है, तो मीठे साय की दरगाह पूछ लिया। तो गागरोन दुर्ग में एक बात और, गीद कराई चट्टान पर ये जो दुर्ग है वो खड़े है, बिना किसी नीम गए गीद कराई चट्टान पर खड़ा है। यदि गागरोन दुर्ग यदि आप बात करें तो दो शाखा उड़ है, बहुत इजी है, दो शाखा, पहलो 1423 दूसरो 1444। क्योंकि देखो आपने और राजस्थान के अंदर झालावाड़ और इली साइड में मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश मतलब मालवा, मध्य प्रदेश के निचलो जो भाग है ना मालवा बोला, तो मालवा और आगो जो झालावाड़ के जो शासक थे इनका संघर्ष चलता रहता था। तो दो शाखा हुआ, पहले 1423 फिर 1444। पहलो शाखो यो बठे अचलदास बिन टाइम अपने गागरोन दुर्ग शासको अचलदास खींची और हमलावार होसंग से जो मालवा से आए थे, तो पहलो शाखो यो अचलदास खींची वर्सेज होसंग से जके के अंदर अचलदास खींची वीरगति ने प्राप्त हो जावे, गागरोन दुर्ग पर होसंग से को कब्जा हो जावे और इस अचलदास खींची का ही लड़का था पाल हणसी वो ना पहाड़ियों में चला गया सुरक्षित जगह पर। और फिर कुछ में बाद दूसरो शाखो है बिन टाइम में गागरोन को जो राजा हुआ वो पाल हणसी
और हमलावर वही मालवा के कौन, महमूद खलजी। इस युद्ध में भी पालहणसी वीरगति को प्राप्त हो गए। तो अचलदास और अचलदास का पुत्र पालहणसी, पहली बार होशंग से हमलावर है मालवा से, दूसरी बार मालवा से महमूद खलजी फर्स्ट है, याद रहिएगा। पहला 1423, दूसरा 1444 है ना। और एक बुक लिखी है शिवदास गाढ़ण ने, अचलदास खिचिरे वचने का, तो आ बुक को नाम भी याद रखियो। नेक्स्ट आप यदि बात करा एक गागरों ने को एक युद्ध हो 518 में, जद अपने मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा और मालवा का महमूद खलजी सेकंड, तो महमूद खलजी जो सेकंड है उसके दरबार से एक हिंदू आया था, प्रधानमंत्री मंत्री सामंत दीवान कौन, मेदिन राय। तो मेदिनी राय ने सांगा के काम करो गागरों दुर्ग में किलेदारिया जो है दुर्ग उनको सौंप दिया। तो पीछे से बड़ी सेना लेकर कौन आया, महमूद खलजी सेकंड। तो ओ युद्ध हो 1518 के अंदर, तो मेदिनी राय ने बुला लिया सांगा को, तो सांगा सेना लेकर आ गया और ये कहलाया गागरों का युद्ध। तो मेदिनी राय और सांगा दोनों ने मिलकर महमूद खलजी सेकंड को हराया, वो मालवा से आया था, सिंपल। बाकी हिस्ट्री में आप और डिटेल में पढ़ांगा। नेक्स्ट आप यदि बात करें तो ओज गो बेल्ट है गागरों दुर्ग आस पास को अठह जो है आप पढ़ा भी, हाँ, राजस्थान का अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में मुकंदरा हिल्स दर्रा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, पहला अभ्यारण्य वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है, तो पूर्व बेल्ट है कोटा झालावाड़ में। तो गागरों दुर्ग के आसपास आप याद रखियो मुकंदरा हिल्स या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान यही है, और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर के है हीरामन तोते, जो को पद्मनिगन तोतो हीरामन तोता भी तोते की प्रजाति है, हीरामन तोते जिसे टुइया भी कहते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं, गागरोनी तोता कहवे। खास बात है तोता मानव बोली की हूबहू नकल करते हैं, तो आपने याद रखना है गागरों दुर्ग के बारे में, ठीक ठाक मैटर है जो को थाने याद रखना है। नेक्स्ट यदि आप बात करें खानपुर की, तो खानपुर के अंदर पुरानी सभ्यता का अवशेष मिले। झालावाड़ के नीचे अपन याद रखना है झालरापाटन, इसे घंटियों का शहर, हेरिटेज सिटी, विरासत सिटी कहते हैं। झालरापाटन जुड़ी कई बात अपन याद रखना है, एक तो सात सहेलियों का मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर झालरापाटन, दूसरा अठे सूर्य मंदिर जगह में घुटना तक जूता है, खास बात है याद रखनी है। नेक्स्ट इसे घंटियों का शहर, हेरिटेज सिटी मतलब विरासत का शहर भी बोलते हैं। इधर दो पशु मेले लगते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोमती सागर पशु मेला जहां मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, क्योंकि मालवा में मालवी नस्ल के पशु है तो वही होंगे, तो याद रखना है गोमती सागर पशु मेला जहां मालवी नस्ल के पशु बहुत आते हैं। नेक्स्ट ये हाड़ोती अंचल का जो गोमती सागर पशु मेला सबसे बड़ा पशु मेला है। दूसरा यहाँ शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है जिसे पुराना नाम है इसका चंद्रमौली, तो चंद्रमौली मंदिर या शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, खास बात है कि समयांकित सबसे पुराना मंदिर है राजस्थान का शीतलेश्वर महादेव, याद रह जाएगा। बिंग अलावा चंद्रभागा पशु मेला, तो चंद्रभागा पशु मेला गोमती सागर पशु मेला दोनों ही झालावाड़ झालरापाटन। नेक्स्ट यदि आप बात करें डग पंचायत समिति में कोलवी नामक जगह पर बौद्ध गुफाएं हैं, है ना, और यही वास्ता इन बोला पर राजस्थान का एलोरा याद रह जाएगा। नवलखा दुर्ग झालावाड़ में, भवानी मंडी वाला ये बेल्ट है, इंग्लिश साइड में अकलेरा का जो बेल्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट आप मानचित्र के अंदर जितनी बात है जितनी कर ली, अब बचेड़ी बात है बात करांगा, तो देखो झालावाड़ की दिए बात करा तो झालावाड़ है वो नवीनतम रियासत है, पहली बात। दूसरी बात एकमात्र रियासत जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, तो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1838 में कोटा अलग कर गया, बिन टाइम कोटा को राजा हो राम सिंह और इंगो पीएम हो मदन सिंह झाला, दोनों को विवाद हो गया, तो अंग्रेज के काम करियो राम सिंह के टाइम कोटा को शासक राम सिंह हो बिंग टाइम, हाँ, मदन सिंह झाला ने अलग एक रियासत दे दी झालावाड़, 1838 नवीनतम रियासत है, एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों ने बनाई। नेक्स्ट काली सिंध नदी के किनारे है और झालावाड़ की खास बात त्रिकोणात्मक शैली में बसाया गया है इस शहर में, चौराहे नहीं है तिराहे है ना, तिराहे इसलिए त्रिकोणात्मक शैली। नेक्स्ट झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा वह है ना, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, राजस्थान में सारों ज्यादा वर्षा वालों जिलों यदि बात करें झालावाड़ सर्वाधिक आर्द्रता भी यही है और न्यूनतम आंधियां सबसे कम चलती है, इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं क्योंकि संतरा बहुत ज्यादा है, सोया जिला कहते हैं क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन यही होती है और इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन भी होता है, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला MP के लगती है। नेक्स्ट
भवानी सिंह अठे को राजा हुए बना पाके वहाँ का आधुनिक स्वरूप जो झालावाड़ हुए वो भवानी सिंह जी ने दिया। और भवानी सिंह जी ने यहाँ क्या बनाया, भवानी नाट्यशाला जो 1921 में बनाया, ओपेरा मतलब यूरोपीय शैली में निर्मित है। अठे को एक राजा हुए राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह के बारे में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे। राजेंद्र सिंह के काम करियो कास्ट प्रासाद, मतलब कास्ट लकड़ी प्रासाद महल, लकड़ी का एक महल है जिसे रेन बसेरा कहते हैं। किस अनसागर यहाँ झील है, उस झील के किनारे स्थापित करवाया राजेंद्र सिंह ने। तो कास्ट प्रासाद और रेन बसेरा किस अनसागर झील के किनारे राजेंद्र सिंह ने लगवाया। नेक्स्ट बिंदोरी, देखो झालावाड़ को लोक नृत्य है बिंदोरी। देखो एक दुर्ग और है मनोर थाना का दुर्ग, वो भी झालावाड़ में है। भीलों की आराध्य देवी विश्ववंती देवी का मंदिर इस मनोहर थाना दुर्ग में है। चंद्रावती, यही चंद्रावती। तो देखो यहाँ परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी और 11वीं 12वीं शताब्दी के यहाँ एविडेंस मिले हैं। चंद्रसेन ने इसका निर्माण करवाया। ये चंद्रभागा नदी के किनारे है और राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के पिता और घोड़े वाले बाबा कर्नल टोड ने इस चंद्रावती का अपने वृत्तांतों में वर्णन किया है। नेक्स्ट यदि आप बात करें कोटड़ा, कोटड़ा में भी 7वीं ले गए 12वीं शताब्दी का पुरावशेष मिले हैं। तो कोटड़ा, खानपुर और चंद्रावती तीन सभ्यता याद रख लियो। चौमहला, चौमहला में क्या है, नागेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। तो नागेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर झालावाड़ के चौमहला में। नेक्स्ट मालवा प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश को जो निचलो बेल्ट है बिना पाकिस्तान मालवा, तो अपने राजस्थान और झालावाड़ मध्य प्रदेश के मई घुसेड़ो है ना, तो ये झालावाड़ और इंगली साइड में प्रतापगढ़, इन दोनों को मिलाकर मालवा प्रदेश बोलते हैं। मालवा प्रदेश तो झालावाड़ और प्रतापगढ़। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ एग्जाम में कई बार पूछा गया, मुकुंदरा हिल्स यही तो है। तो कोटा और झालावाड़ को बेल्ट है बट है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। काली सिंध थर्मल पावर प्लांट, सिंपल है, काली सिंध नदी के नाम पर आपको वैसे याद रह जाएगा। तो ये था झालावाड़ के बारे में जितना भी मैटर था, मैंने प्रयास किया है कि अक्षरश आपको कंठस्थ करवा दूं। और मैंने पूरी उम्मीद है कि इतो पढ़ने के बाद में थारे एग्जाम में झालावाड़ जिलों कोई सवाल आ से तो गलत कौन है। तो मिला बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।